नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ऑन ए न्यू नेशन में। बड़ी खबर आ रही राजस्थान से। राजस्थान की राजनीति फिर से एक बार करवट लेने जा रही है। राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और सचिन पायलट का नाम सामने आ गया है। सचिन पायलट फिर से बागी हो गए हैं और कांग्रेस को मनाने में जुटी हुई है कांग्रेस। और साफ तौर पर अशोक गहलोत ने भी आरोप लगा दिया, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है सचिन पायलट पर और भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी यानी कि अमित शाह ने क्या खेल खेला सचिन पायलट के साथ, मिलकर क्या गेम खेला, पूरा खबर हम आपको बताएंगे। बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो के साथ। हम आपको बताएंगे किस तरीके से राजस्थान में राजनीति चल रही है और क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। क्या अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं या बीजेपी के साथ जा सकते हैं, उस पर अब अंतिम मोहर लगने वाला है, या यूं कहें कि राजनीति बड़ा फेरबदल होने वाला है। देखिए पूरी खबर। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले फिर सियासी खलबली मच गई है। कांग्रेस नेता और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि फिर से सरकार गिराने का खेल शुरू होने वाला है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार गिराने का फिर से खेल शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की चर्चाएं हैं। यानी कि कांग्रेस में डर है किसका? भारतीय जनता पार्टी से डर है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए थे और हाल में कई प्रदेशों में सरकार बन रहा है और एक दायरा बीजेपी का जो ग्राफ बहुत तेजी से 3-4 महीनों में बढ़ रहा है और उपचुनाव हाल में जो हुए विभिन्न प्रदेशों में, उन हर जगह बीजेपी का जो जलवा दिखा और अभी हैदराबाद में भी जो स्थिति दिखी, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो चमकते सितारे के साथ जाना पसंद करेंगे और इस वक्त चमकता सितारा भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए ज्यादातर जो विधायक हैं, पार्टियां हैं, उनका रुझान बीजेपी की तरफ है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी क्यों टूट रही है? क्योंकि वो तो सत्ता में है। दरअसल टूटने की वजह है सचिन पायलट को खुश नहीं कर पा रही है कांग्रेस। सचिन पायलट इस वक्त किसी पद पे नहीं है, कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है। ऐसे में वह व्यक्ति जो सबसे बड़ा राजस्थान का नेता हो और जिसके दम पर, वैसे लोग कहते हैं कि उस युवा नेतृत्व के दम पर राजस्थान में सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अब आज सचिन पायलट सत्ता में नहीं है, यानी कि किसी पद पे नहीं है और किसी दायित्व पे नहीं है, मंत्री भी नहीं है। तो इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जो सत्ता का एक प्रभाव होता है, राजनीति का एक लोभ होता है, वो सबके ऊपर होता है, महत्वाकांक्षा सब में होती है। इसलिए सचिन पायलट बागी होने का की शुरुआत कर चुके हैं। एक बार हुए थे, किसी तरीके से समझाया गया था। आपको बता दें, गहलोत ने कहा कि बीजेपी की तरफ से इससे पहले सरकार गिराने की कोशिश के गवाह कांग्रेस नेता अजय माकन रहे हैं। अजय माकन को आप जानते होंगे, दिल्ली वाले अजय माकन, जो पूरी तरीके से असफल रहे हैं। उन्होंने कहा, राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। इस घटना के दौरान माकन 34 दिन होटल में हमारे विधायकों के साथ रहे थे। अशोक गहलोत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि हमारे विधायकों को बैठाकर चाय नमकीन खिला रहे थे और बता रहे थे कि 5 सरकार गिरा दी और छठी भी गिराने वाले हैं। ये डर लाजमी है, लेकिन दरअसल विषय कुछ दूसरा है, इसको तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी यही हुआ। दरअसल कांग्रेस अपने नेताओं को और युवा नेताओं को खुश नहीं कर पा रही है और जो इनके परिवार के सबसे खास चमचे हैं, चमचे शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये सोशल मीडिया का शब्द है, सोशल मीडिया पे ये सब चलता है कि चमचा जो शब्द है, इनके परिवार के सबसे खास लोग हैं उन्हीं को ये कोई भी पद या देते हैं। और यही हाल रहा कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश में, अशोक गहलोत को बनाया गया राजस्थान में मुख्यमंत्री, और सिंधिया को या सचिन पायलट जैसे लोगों को साफ तौर से इग्नोर किया गया। इसी का परिणाम है कि बार बार वहां पे सत्ता की जो लड़ाई है वो कायम है और विद्रोह शुरू है। अब बात आती है कि अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगाया है, क्या वो सच है? दूसरी पार्टी है वो तो अपने ढूंढेगी, अपने मौके ढूंढती रहती है। बीजेपी भाई सबसे बड़ी, वहां पे एक अच्छा वोट बैंक है बीजेपी का, मौके ढूंढेगी। लेकिन यदि आप अपने नेताओं को खुश नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार गिरने से कोई नहीं रोक सकता है।
अशोक गहलोत ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जजों से बातचीत करने की बातें कर रहे थे। अशोक गहलोत ने कहा कि अमित शाह ने हमारे विधायकों से एक घंटे मुलाकात की थी और 5 सरकारें गिराने के बाद 6ठी सरकार गिराने की बात अमित शाह ने कही। अमित शाह मास्टरमाइंड माने जाते हैं सरकार बनाने और गिराने के, ये आप सबको पता होगा ये बात। लेकिन कांग्रेस भी तो राजनीति में है, राहुल गांधी कहां चले जाते हैं, वो अपने विधायकों को खुश नहीं कर पाते हैं, उनका मास्टरमाइंड उनकी राजनीति कहां है, पूरी तरीके से फ्लॉप है। अगर वो अपने विधायकों को नहीं बचा पा रहे हैं, सत्ता में रहते हुए नहीं बचा पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी पलटवार किया। पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत शासन चला पाने में अक्षम है, इसलिए झूठा और तथ्यविहीन आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर घर में अंदरूनी झगड़ा है जिसकी वजह से वह परेशान है, इसके लिए बीजेपी पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाकर हमला किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा अशोक गहलोत सरकार गिराने के लिए रोज भेड़िया आया की तरह नई नई कहानियां लेकर आते हैं। भागो भेड़िया आया, आपने कहानी सुना होगा। इनकी सरकार में इतना झगड़ा है कि अब बीजेपी के नेताओं को दोष देकर अपनी झगड़ा छुपाना चाहते हैं। पूनिया ने कहा अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी भारी पैसा खर्च कर कार्यालय बना रही है और हम तो कह रहे हैं कि इतने साल में सत्ता में रहे कार्यालय बनाने के बजाय के नेताओं ने अपने घर बनाए। यानी कि यह आरोप बीजेपी के अध्यक्ष का है कि सत्ता में रहे इतने हमेशा दिनों में तो जो बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अपने घरों में पैसे भरे, कांग्रेस कार्यालय नहीं बनाए। और वही हाल है बीजेपी का, बीजेपी पे जब आरोप लगाया गया कि पैसे कार्यालय ज़्यादा लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यालय पर फंडिंग होती है, पार्टी फंडिंग होती है, अगर पैसे लग रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में क्या परिवर्तन होता है यह दिलचस्प होगा, और बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से राजस्थान की राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या अशोक गहलोत सरकार गिरती है और गिरती है तो वजह क्या है। जुड़े हमारे चैनल के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, अपनी राय हमेशा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।